नमस्कार और स्वागत है फिर एक बार क्रिकेट न्यूज इन शॉर्ट आपके होस्ट यश खंडोर के साथ सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट नेटवर्क आईसीएन 360 पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। न्यूजीलैंड की विश्व कप 2019 की पहली शिकस्त और पाकिस्तान ने दो डाले आवाम के सारे गिले शिकवे। आज हमने बर्मिंघम में जो देखा वो थी एक टीम जिसके हर खिलाड़ी का सिर्फ एक ही ध्येय था और वो था पाकिस्तान की जीत। फिर चाहे वो शहीन शाह अफरीदी की जादुई गेंदबाजी हो या फिर बाबर आजम की दिलकश बल्लेबाजी, फिर चाहे वो हारिस सोहेल का संतुलित रवैया हो या फिर कप्तान सरफराज अहमद की रणनीतिक सूझबूझ, आज एक नया पाकिस्तान देखने को मिला। नया दो कारणों से, एक ये कि नए फेसेस देखने मिले, शहीन शाह अफरीदी और हारिस सोहेल जो प्लेयर्स पहले बेंच पे थे उनकी वापसी हुई और उन्होंने बेइंतहा बेहतरीन परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान को यह मैच जिताया है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान जिस जज्बे से आज फील्ड पे उतरे थे वाकई काबिले तारीफ है। अब ये जोश, ये कमाल कब तक चलेगा ये तो समय ही बताएगा, मगर एक बात तो तय है, इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सारे देश को फिर से एकजुट कर दिया है। मैं कई बार कह चुका हूँ और आज मैं फिर से कहूँगा, क्रिकेट डिवाइड्स अस ओनली टू यूनाइट अस लेटर। आज की मैच की बात करें तो एक नाम सबकत ले जाता है, वो है बाबर आजम। सारे पाकिस्तान को खूब भरोसा था इस प्लेयर पे, मगर सबकी जुबान पे एक ही सवाल था, बाबर मैच कब जिताएगा, कब जिताएगा मैच बाबर। 26 जून 2019, ये वो तारीख है, ये वो दिन है जब बाबर ने जिताया मैच पाकिस्तान को, और ये कोई एवई मैच नहीं है, वर्ल्ड कप की मस्ट विन गेम 2019 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम में पूरे होम क्राउड के सामने। बाबर आजम के नाम 10 शतक है, मगर यकीनन आज का शतक बाबर का सबसे होनहार और सबसे महत्वपूर्ण शतक है। ऐसी पिच जहां बॉल स्क्वायर टर्न कर रही थी और इतनी टर्न कर रही थी कि केन विलियमसन, जी हाँ आप सही सुन रहे हो, न्यूजीलैंड के कप्तान बैट्समैन केन विलियमसन 8 ओवर ऑफ स्पिन डाल गए और सिर्फ 29 रन दिए, वो भी प्रोफेसर हफीज की विकेट झपट के। ऐसी विकेट जहां पे शहीन शाह अफरीदी ने नई गेंद से 7 ओवर 3 मेडन 11 रन और 3 विकेट का स्पेल डाल चुके थे। इनिंग्स की चौथी ओवर और बाबर आजम क्रीज पे आ चुके थे, गेंद स्विंग हो रही थी, बैट को बीट कर रही थी, एज ले रही थी, स्पिन हो रही थी, स्क्वायर टर्न हो रही थी, बोलते हैं ना मिसिंग एवरीथिंग, बैट्समैन कीपर सबको मिस कर रही थी। इन सब के बीच बाबर आजम डटे रहे और फिर हुआ प्रदर्शन एक शानदार पारी का, कवर ड्राइव, हुक, पुल, डेफ टचेस और सबसे इंपॉर्टेंट डेड बैट्स, सब कुछ देखने मिला। द पिच वाज स्पिटिंग कोबरास, ये सही मायने में मिचेल सैंटनर का स्पेल जो था उसकी सच्चाई थी, और उसे बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और हारिस सोहेल ने बेहतरीन आवेदन और तकनीकी से नकार दिया। पाकिस्तान की इस जीत का काफी श्रेय कप्तान सरफराज को भी जाता है। फील्ड पे आखिर के 4 ओवरों को अगर हम छोड़ दें तो आज हमने एक शातिर और उससे भी ज्यादा जरूरी एक शांत और छटे हुए कप्तान की झलक देखी। जब आपका अपना देश आपके खिलाफ हो ना और आप ऐसा कमबैक कर जाए, इसे महानता कहते हैं। अब पाकिस्तान ये विश्व कप जीते या ना जीते, मेरे हिसाब से इतिहास के पन्नों में सरफराज का नाम जुड़ चुका है। हैट्स ऑफ टू यू कैप्टन। एक और चीज जो आज अलग देखने मिली वो थी एक अनुशासन प्रिय क्षेत्र रक्षण का प्रकाशन। एक भी कैच नहीं छूटा पाकिस्तान से और ग्राउंड फील्डिंग भी काफी तगड़ी थी। पाकिस्तान की इस जीत से अब इंग्लैंड पे दबाव का ही गज बढ़ चुका है। पाकिस्तान की अगली दो गेमें हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, जो वो अगर अच्छी क्रिकेट खेल जाए तो जरूर जीत जाएंगे। इस परिदृश्य में इंग्लैंड के लिए आगे का रास्ता बहुत कठोर है। उनकी दो गेमें बाकी है और वो दो गेम है एक हिंदुस्तान के खिलाफ जो अभी की सबसे बैलेंस्ड साइड लग रही है, और एक है जख्मी न्यूजीलैंड। अगर इंग्लैंड एक भी मैच हारता है और पाकिस्तान अपनी अगली दोनों मैचें जीत जाए, जो काफी मुमकिन है, तो इंग्लैंड जो एक समय के फेवरेट्स थे इस विश्व कप 2019 की श्रृंखला से बाहर हो जाएंगे। फिर सारे मीम एक्सपर्ट्स ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कह सकते हैं द कप, वेदर इट्स सॉकर और क्रिकेट, इज डेफिनेटली नॉट कमिंग होम। अब आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो सिर्फ समय ही बताएगा। अभी के लिए पाकिस्तान की इस बढ़िया जीत का आनंद लेते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका होस्ट, आपका दोस्त यश खंडोर आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे
तब तक के लिए अलविदा, शब खैर, गुड बाय और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट नेटवर्क ICN 360 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसे बेहतरीन एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। हिट द बेल आइकन।